अगला सवाल मैं एके मिश्रा सर आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी की आईटी सेल इतनी एक्टिव है, इतना ज्यादा किसी भी छवि धूमिल कर सकती है, तो क्या लगता है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत है? एक अच्छे खासे इंसान की छवि आपने एक पल में खराब कर दी। नहीं सुष्मिता, एक तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, और सर का भी मैं अभिवादन करूंगा, आपके दर्शकों का भी अभिवादन मैं करूंगा। देखिए, कन्हैया कुमार के केस में अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार एक वेल मैच्योर नेता थे। उस वक्त वो जेएनयू जैसे विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के जो है छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो यानी उनको बहुत सारी चीजें राजनीति में क्या होती हैं, क्या हुई और क्या हो सकती हैं, ये चीजें पता होंगी। आप जब राजनीति में कूदते हैं तो अब मतलब आम जिंदगी में भी आपको अब चरित्र हनन आपका ना हो ये बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कन्हैया कुमार इंडिया को तो बहुत अच्छा समझते हो लेकिन भारत को ना समझ पाए हो। भारत में एक कहावत है कि ताड़ी के नीचे बैठ करके अमृत पियोगे तो भी आदमी या दुनिया यही समझेगी कि आप ताड़ी पी रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए किसी दूसरे को दोष देना उससे ज्यादा बेटर मैं ये मानता हूँ कि इन सब चीजों के लिए अपने आप को बचाना। आप उसमें माहिर हैं, आप राजनीति में आए हैं, राजनीति में सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है कीचड़ उछालते रहते हैं। कन्हैया कुमार की जो भी पार्टी पहले थी या जो अभी कांग्रेस है, ये भी बहुत सारे वीडियो इन लोगों ने भी उछाले या बहुत सारे ऐसे तथ्य उछाले, बल्कि इस चीज का तो बाकायदे कोर्ट में मतलब एक तरीके से प्रूफ है कि राहुल गांधी वगैरह कई बार जो है जा करके माफी मांग आए हैं, लिखित में माफी मांगा गया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने माफी, केजरीवाल जी ने कई बार माफी मांगी हुई है। तो आप एक किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उस प्रोफेशन के जो रिस्क होते हैं, इवन आप किसी जॉब में भी जाते हैं, मिलिट्री में, पुलिस में अगर आप जाते हैं तो वहां आपसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि इस जॉब में, इस नौकरी में ये रिस्क है और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे या तो मैनेज करेंगे। तो ये इसमें दोष मैं किसी और को नहीं देता हूं कि कौआ कान ले गया, कन्हैया कुमार उस चीज को मैनेज करने में फेल हो गए। आज 10 साल के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, वो डिफरेंट चीज है। तो किसी भाई, भाजपा आपकी राइवल है, आप भाजपा से क्यों उम्मीद करते हो या दूसरी किसी और ये वामपंथी कभी कन्हैया की पार्टी हुआ करती थी, आज वो वामपंथियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी राइवल हो गई है वामपंथी पार्टी जो है बोल रही है कोलकाता में, बंगाल में हम उनको सीट नहीं देंगे। तो राजनीति में किसी को दोष देने से बेहतर ये है कि आप ये मान लीजिए कि आप इमैच्योर थे इसलिए आप षड्यंत्र में फंस गए, और जो मैच्योर होता है वो षड्यंत्र को भेद करके राजनीति में भी बाहर निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन जिस तरह से राजनीति आज की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा मीडिया का रोल भी रहा है, कि क्योंकि जब भी कोई झूठ सामने आता है, जब भी कोई चीजें सामने आती है, तो मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया। तो इस पर क्या कहेंगे कि अगर वास्तव में मेन स्ट्रीम मीडिया ही साथ देगी ऐसे चीजें, ऐसे झूठी चीजें चलाने में, तो फिर समझ ही नहीं आएगा ना आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे प्रिंट हो और चाहे आजकल जो यूट्यूब है, वाकई में जो है बहुत सावधान रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए। लेकिन चूंकि घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं, हो सकता है उस भीड़ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगे हो, क्योंकि मैं वहां आई विटनेस नहीं था। अच्छा, इस तरह के नारे लगे हो वहां पे, किसने लगाया, क्या किया, क्या नहीं किया, इस चीज की पड़ताल करना। मीडिया पे तो सब कुछ लाइव चलता है ना, वहां लाइव चल गया ये चीजें। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आजकल की दुनिया इतनी फास्ट है, इसमें बेटर अपने आप को सावधान रखिए, क्योंकि अगर जरा सा भी आपका पैर फिसला आप दोष देते रहिए किसी को भी। कन्हैया कुमार की भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप बोलते रहिए, दोष देते रहिए, तो चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि वहां पे समझना या चीजों को करेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें किसी और को दोष देने से मैं पिछले 10 सालों से बोल रहा था, मैं 2014 से बोल रहा था, भाई कांग्रेस या अपोजिशन, ये लोग सोशल मीडिया को इन्होंने अब मजबूत किया है, साल 2 साल पहले, 10 साल पहले क्यों नहीं मजबूत किया? इनके राइवल पार्टी ने या मीडिया ने बहुत स्ट्रांग इन चीजों को किया था। तो अपनी कमजोरी पे फोकस करिए, वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूं, आप एकदम नग्न होकर के नहाइए, सड़क पे निकलिए और कैमरे को दोष दीजिए कि जी कैमरा तो ऐसी फोटोएं ले रहा है, ये चीजें कर रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को अलर्ट पे रखिए,
आप मीडिया को दोष मत दीजिए, आप किसी और को दोष मत दीजिए। बात की कार्रवाई होगी, कोर्ट में होगी, सही है गलत है, लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है। और मैं समझता हूं कि अगर देश की जिम्मेदारी आपको उठानी है तो कन्हैया कुमार बच्चों की तरह रोना बंद करे और मीडिया को और बीजेपी को ये जो है देना, वो ये एक छोटी सी घटना को अगर इतनी मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं है तो देश क्या ये सुधारेंगे और संभालेंगे? अपने आप को संभाल लें, अपने साथ होने वाली घटनाओं को संभाल लें, फिर क्लेम करें कि जी हम देश संभालेंगे, या तो बोल दे हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। तो ये चीज है मैम।